ऐसे वैसे कि हमने कोई डिमांड नहीं की है, हाँ वो खुद ही हमारे अकाउंट में डालता था पैसा और हम कैश निकाल के दिए, हमारे पास स्टेटमेंट भी है सर। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू ट्रांसफर्ड मनी इन द अकाउंट ऑफ ए गर्ल, मतलब 65 ईयर ओल्ड। ये चूंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी थी, नौकरी इनने छोड़ दी थी, इनको पेमेंट नहीं था, हम नहीं मांगते थे पैसे ना, तब भी वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता था, हमारी वीडियो भी बनाई, हमें ब्लैकमेल करता था कि पैसे नहीं लोगी तो हम तुम्हें फंसा देंगे। सर हमें हर समय हमारे कॉलेज के बाहर आ जाता था सर, कॉलेज में आके खड़ा हो जाना भी एडवोकेट ही है सर। प्रताड़ित किया गया, हमारे साथ अपने घर भी लेके गया है सर। मैंने इसमें लास्ट डेट में रिपोर्ट आ गई थी, मैंने तो स्टेटमेंट भी आ गया प्रोसिक्यूटिव से कि उसने पैसा लिया। सर पैसे वैसे की हमने कोई डिमांड नहीं की है। हाँ। पैसे वैसे वो खुद ही हमारे अकाउंट में डालता था पैसा और हम कैश निकाल के दिए, हमारे पास स्टेटमेंट भी है सर। स्टेटमेंट से कौन से अपीयर हुए थे हमारे, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए टाइम लिया था लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किया थी, कोई पैसा दिया है और उसमें रिपोर्ट आ गई मैलेट कि पैसा इन्हें लिया था, जो डॉक्यूमेंट हमने फाइल किए उसका पहले बाद इसमें एफआईआर आया। सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू ट्रांसफर्ड मनी इन द अकाउंट ऑफ ए गर्ल, मैलेट 65 ईयर ओल्ड, 65 ईयर ओल्ड मैलेट। आई फाइल्ड सम डॉक्यूमेंट, इसमें एप्लीकेशन हमने दी थी मैलेट, ये आई ए नंबर है मैलेट 7424, इसमें प्रीवियस डेट में ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्टेड किया था कि अगर हमने पैसा दिया है तो कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करें, तो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए और जो रिपोर्ट की मैलेट, ये डॉक्यूमेंट जो हमने रिपोर्ट की वो भी डॉक्यूमेंट फाइल किया मैलेट पिछली डेट, उसके पिछली डेट ये तो ये रिपोर्ट भी हमने फाइल की, तो उसमें रिपोर्ट भी आ गई कि पेमेंट लिया, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा कि क्यों पेमेंट दिया मैलेट। नौकरी थी, नौकरी इनने छोड़ दी थी, इनको पेमेंट नहीं था, इनने अपनी आंखें बताई थी कि खराब थी, इसलिए हमने बैंक से ट्रांजेक्शन किया। ये देखे सर, सर आप वैसे भी पैसे दे सकते थे, मैडम पैसे भी पैसे दे सकते हैं, हमारे पास अकाउंट के माध्यम से हमारे पास पैसा था, हमारे बैंक में था, हमने दे दिया क्योंकि हम बैंक वाले थे। इट शोज कि राइट फ्रॉम बिगनिंग यू हैव क्रिएटेड योर डिफेंस। नो मैलेट, ऐसा नहीं था मैलेट, और 13 महीने राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू क्रिएटेड डिफेंस। 13 महीने बाद इसमें फिर एफआईआर मैलेट, ये भी देखा है जब आपके लड़ाई झगड़े हुआ तब एफआईआर हुई है। और पैसा तो जनवरी तक लिया मैलेट, हम जनवरी तक इनने पैसा लिया सर, हमारे पास भी है, हमने वापस किए, कैश निकाल के डॉक्यूमेंट फाइल नहीं है। चलो डॉक्यूमेंट फ्रेश करिए, डॉक्यूमेंट सर आपके एडवोकेट का, आपके एडवोकेट का सर नहीं आए हैं एडवोकेट सर। तो ठीक है, आप डॉक्यूमेंट पेश करिए बैंक के, मैं दे रही हूँ अभी नहीं, बाद में फेल। नहीं नहीं फेल करिए, फ्रेश करिए, फ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है लिखिए MP the well earned counsel for the acting counsel of the Madam and Deputy Government Advocate for respondent state victim in person present. कैश पैसे दिए, जैसे हम नहीं मांगते थे पैसे ना, तब भी वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता था और हम पैसे ऐसे कि हमने कोई डिमांड नहीं करी, कुछ नहीं करी सर, हमें फालतू एफआईआर में तो कोई चीज मेंशन ही नहीं मैला, 13 महीने बाद जो एफआईआर है कि जबरदस्ती पैसा दे देते थे। सर हमारी वीडियो भी बनाई, हमें ब्लैकमेल करता था कि पैसे नहीं लोगी तो हम तुम्हें फंसा देंगे। बनाई है वीडियो, वो भी पेश करिए, ठीक है पेश कर लीजिए आप वीडियो, पाएंगे हमारे पास थोड़ी ना, उन्हीं के पास और वो मिल भी नहीं रहे हैं। अच्छा एक्सक्यूज जरूरी है, उसका वीडियो बताएं, मेरा कोई वीडियो नहीं, ऐसा कोई एलिगेशन है मैडम? अरे भाई मिस्टर कब मैडम किया है, हमें बहुत अच्छा, आपने वीडियो देखा है सर, हमें हर समय हमारे कॉलेज के बाहर आ जाता था सर, कॉलेज में आके खड़ा हो जाना, जैसे ही यानी वो भी एडवोकेट ही है सर। अच्छा वो भी एडवोकेट है, तो वो हमारे कॉलेज में 1:30 बजे आ जाते थे, कहीं फुल्की वाले से भी आप पूछ सकते, ठीक है आप पूरा लिख के पेश करिए जो भी आपका, ठीक पेश करना, हाँ पेश करना, नहीं 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 साइन करवाने वाले एफिडेविट के साथ, अगर इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट साइन के साथ एफिडेविट पेश करिए, ऐसे तो एफिडेविट के साथ कोई नहीं, आप सारी टाइम ले रहे हैं, हमारे साथ प्रताड़ित किया गया, हमारे साथ अपने घर भी लेके गया है सर, ठीक है जो भी बात करना है, ठीक है आप अपना एप्लीकेशन पेश करिए, एफिडेविट पेश करिए, जो बात है उसमें लिखिए एफिडेविट में, ठीक है एप्लीकेशन एंड एफिडेविट, हाँ पेश करिए और उसमें आपके साथ जो भी हुआ, जो उसने वीडियो वगैरह बनाया पूरा लिख के पेश कर चुका है सर, एक बार नहीं किया है, 8-10 बार कर चुका है, ठीक है करिए उसको, चलिए।
application along with the affidavit. That's great. List after 1 week. चलो 1 week का हो गया, अगले हफ्ते पेश कर देना, ठीक है? अच्छा पहले पेश कर दीजिए और रजिस्ट्री में पहले बस पेश कर देना। कितने दिन वो एडवोकेट को बताना पड़ेगा? बता देना ना।